नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। और दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे, ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो कभी हमारे उत्तराखंड के लिए एक गौरव की बात थी। ढोल दमों, मस्क बाजा, इसके बारे में बताएंगे। जैसे उत्तराखंड हमारे गढ़वाल से पलायन हुआ देहरादून की तरफ, लोग प्लेन्स की तरफ आने लगे, ऋषिकेश, देहरादून, डोईवाला, हरिद्वार लोग बसने लगे। इनके साथ साथ धीरे धीरे हमारे जो लोग ये ढोल दमाव बजाने वाले लोग थे, ये भी हमारे साथ आने लगे। लेकिन उनके साथ एक अभी बहुत ही विपत्ति की घड़ी क्या है कि वो इन लोगों के साथ देहरादून तो आ चुके हैं, लेकिन उनको जो सम्मान पहाड़ों में मिलता था, वो सम्मान हमारे इन मैदानी इलाकों में नहीं मिल पाता। क्यों? जैसे कभी भी हमारे कोई शादी, ब्याह, कारज, भगवान का मंडान कुछ भी लगा हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, तो इनको ज़रूर बुलाया जाता, तो इनके बिना कोई भी पूजा नहीं होती थी। और ये परंपरा जैसे हमारे गढ़वाल में चलती थी, मैं चाहता हूँ ये परंपरा हमारे इस जैसे विस्थापन हुआ है यहाँ भी हो। जैसे कभी भी कोई अनाज निकलता था कभी भी किस खेत से, तो ये अनाज उस किसान के यहाँ से उस अनाज के समय पर इनको अनाज मिलता था। तो आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। जैसे पहले धान, गेहूँ, मक्का कुछ भी फसल आए, तो उस फसल के टाइम पे ये गांव में जाकर और ये अनाज अपने स्वेच्छा से हर इंसान इनको देता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी इस परंपरा को बचाए रखा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम धनीराम। धनीराम जी, जी अच्छा। और आपका? जी मुकेश लाल। हैं? मुकेश लाल। मुकेश लाल। मेरा नाम सुरेश लाल। सुरेश लाल जी, आप तीनों का जो इंट्रोडक्शन आप दिया है, आपको आज पूरी दुनिया देखेगी और आपने बिल्कुल खुल के और दिल की जो बात है वो बोलनी है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप प्लान, जैसे हम सब गढ़वाल से यहाँ पर आए, तो जो पहले का मौसम था, पहले का जो सिस्टम था, वो आज भी है हमारे इन प्लेन्स एरिए में या विलुप्त हो चुका है? वो तो अभी तो ये हो चुका है, मतलब कोई इस चीज़ को वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे पहले लोग जैसे बुलाते पहले लोग थे, बुलाते थे या कुछ भी कार्य होता था तो लोग बोलते थे, पर अभी कोई नहीं बोलता है। इसलिए अब क्योंकि इस कार्य की कोई मानता नहीं कर रहा है, इस काम की कोई मानता नहीं कर रहा है, कोई इज्जत नहीं से बुला नहीं रहा, इज्जत से कोई करता नहीं है, इसकी सेवा पानी नहीं होती है। देवताओं की चीज़, देवताओं की चीज़ है ये, इसलिए शुद्धि से हमने संभाल के रखी है। अच्छा, देखो दोस्तों, ये बता रहे हैं ये भगवान देवता देवता की चीज़ है और इन्होंने ये अभी भी संभाल के रखी ये चीज़ वाद्य यंत्रों को। और ये बताने कि इनकी जो आदर भाव पहले हुआ करता था, वो अब नहीं हो पा रहा है। बहुत ही दुख दरी बात है, क्योंकि अगर ये परंपरा ये लोग भी छोड़ दे और हम लोग भी छोड़ दे, तो ये विलुप्त हो जाएगी और हमारे आने वाली जो पीढ़ियों के पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ होती है, ये इससे क्या होता है। तो मेरे जितने भी यूट्यूब में देखने वाले हों, उनको मैं चाहूँगा कि इस जो हमारी परंपरा है इसको ख़त्म ना होने दें, इसको चलाएँ, इन लोगों का सम्मान करें, अपने घर में बुलाएं, और जैसे हमारे दादा परदादा पिताजी के समय पे से होता हुआ आ रहा है, वैसे भी हम अभी करते रहें, इनके साथ वैसे ही व्यवहार करें, इनका सम्मान करें, इनको अपने शादी विवाह कोई भी शुभ काम है इनको जरूर बुलाएं। तो आप अभी जनता आपको देख रही, तो उनसे क्या बोलना चाहोगे, जो हमारे जितने भी तुम्हारे बुलाने वाले हैं, क्या बोलना चाहोगे इनके लिए? हम उनसे क्या बोले, जो इतना हमसे बोला जाना था, जितना हमसे होता है, जितना हमने करना था, बस जो आपसे वो किसी की इच्छा है, कोई बुलाए या ना बुलाए, वो अलग अलग ना, हम चाहते हैं कि आपको हर आदमी आपसे जुड़े और बुलाए बुलाए। तो दोस्तों, जैसे इनसे बात हुई और अब जो हम इनके वाद्य यंत्रों इनको भी देखेंगे, और मैं तो चाहूँगा अपने सारे दर्शकों को शोक से कि वो ज़रूर इनको बुलाएं अपने कोई भी शुभ कार्य में, और क्योंकि ये हमारी धरोहर परंपरा है, इसको हम संभाले रखें। और दोस्तों, आज बहुत ही पावन पर्व है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन भी आज है। आज बड़ा सौभाग्य मिला हमें सेम नागजा की कृपा से कि आज साक्षात उन वाद्य यंत्रों के हमें दर्शन हुए, और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस देवभूमि में हमने जन्म लिया। और इस पावन घड़ी में साक्षात भगवान जिन वाद्य यंत्रों में नाचते थे, वो याद हमारे सामने। अब हम इनका, जैसे हमारी पौराणिक में इनका सत्कार किया था, आह्वान किया था, हम उस तरह से इनका आह्वान करेंगे। जय श्री नगजा। और दोस्तों, जैसे हमारे पहाड़ों में संस्कृति को निभाया जाता था, सबसे पहले इनका आह्वान करके इनका सादर सत्कार करते थे, उस तरह हम आज इसको करेंगे अपने उत्तराखंड की उसमें संस्कृति।
मेरे किसान भाई जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अपनी परंपरा को बिल्कुल ना भूलें, और जब भी कोई फसल आए, धान गेहूं मक्का कोई फसल आए, और इनको अपने घर में आके उस अनाज को ज़रूर दें, क्योंकि पहला अनाज जो होता है हमारे भगवान को चढ़ता है। तो ये जो लोग हैं हमारे, ये भगवान का ही वाद्य यंत्र है, इनको ही बजा रहे हैं, तो कभी भी इनको अपने घर से खाली हाथ ना भेजें। और आइए आज इनका थोड़ा वाद्य यंत्रों का भी आनंद लेते हैं। गाना भी गाया है भाई लोगों ने, और कितना आनंद आया, मैं भी थोड़ा सा नाचा, कितना आनंद आया नाचने में। तो अपनी संस्कृति को भूलें ना, जितने भी हमारे नए युवक हैं इनको ज़रूर बुलाएं, इनका सम्मान करें, और इनका अगर हम सम्मान करेंगे तो ये भी हमारा बहुत बड़ा मान होगा पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि ये ढोल दमाऊ पूरे उत्तराखंड से नहीं, ये देश विदेश में भी इसकी झलक हमें मिलती है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ये हमारे ढोल नगों धूम मचा रखी है, और हम अपने ही घर में इन ढोल दमों से थोड़ा दूर हैं, जो बड़ी दुख की बात भी है। कितना सुरीला धुन निकाल रहे हैं, वो क्यों निकाले, क्योंकि इनकी जो इनके माजी पिताजी बाप दादा से जो कला इन्होंने सीखी है वो भी कायम है, तो ये कला हमेशा जीवित रहे। मेरी तो यही सारे उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि इस विलुप्त हुई कला को जागृत करें, और देश विदेश में जिस ढोल दमों का डंका बजा है, इसका डंका यहाँ भी बजे, इनका सपोर्ट जरूर करें। और जितने भी मेरे किसान भाई हैं, जब भी कोई नई फसल आए तो पहला अनाज बोलते जैसे देवी देवता को चढ़ाते हैं, इससे पहले मैंने बोलता इन वाद्य यंत्रों के नाम पर हमें रखना है। और दोस्तों इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये बता रहे हैं अभी, नंबर 74-57-08-89-85। बहुत बढ़िया, इस कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट करें, और कभी भी आप इन्हें बुलाए तो ये वहीं पे हाजिर होंगे। मेरे इस चैनल को फार्मिंग आइडिया विद संजय चमेली को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, और